अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज नाज़रीन मैं आज को आपको बाल जिनके उगते नहीं हैं नए और गंजापन सर पे आ जाता है, बालों के लिए बहुत ही परेशान है वो नाज़रीन, तो वो बालों में लगाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आपके घर में हर चीज़ें ये मौजूद हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्याज आपके घर में मौजूद है, प्याज आपने दो दस लेनी है, तो उसका आपने पानी निकाल लेना है, अच्छी तरह उसका रस निकालना है प्याज का। और जैतून का तेल आपने एक चम्मच लेना है, और जैतून के तेल के अंदर आपने फिर एक चम्मच शहद, खालिस होना चाहिए शहद, वो आपने एक चम्मच शहद मिला लेना है। और इन तीनों चीज़ों को जब आपने मिलाना है तो इसका आपने क्या करना है, मिक्स करने के बाद आपने रुई लेकर उसकी रुई की मदद से आपने अपने बालों को खोल खोल के, यानी कि बालों की जड़ों में, ये जो मैंने आपको मेज़ा बताया ये आपने बालों की जड़ों में लगाना है, ताकि आपके बालों को मजबूती आएगी और आपके बाल चमकदार होंगे। शहद से, जैतून के तेल से आपके जो बालों में ताकत आएगी उससे जो है आपके बाल मजबूत होते चले जाएंगे, और जो प्याज है उससे जो है आपके बाल नए उगना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन ये तीनों चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं आपके बालों के लिए, मेरे ये आजमाई हुई चीज़ें हैं, मैंने जिन लोगों को बताया उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो नाज़रीन इस तरह जो है आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे खुद आपके जो गंजापन, कहीं कैसे बच्चियों के बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग जड़े नज़र आती हैं और सर गंजापन नज़र आता है, तो वो बच्चियाँ बहुत परेशान होती हैं, हर किस्म के शैम्पू लगाती हैं। तो मैंने जो ये जवाब आपको बाल नए उगाने और आपके जो बाल झड़ रहे हैं और आपके जड़ों में से बाल टूट रहे हैं नाज़रीन, तो ये आप चीज़ें जब मैंने जो मैंने बताई हैं आपको, ये आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके बाल जो है मजबूत होंगे, लंबे होंगे, घने होंगे, चमकदार होंगे। ये मेरा आजमूदा है जो मैंने आपको बताया, जितने भी मेरे नुस्खे मैं पहले आजमाती हूँ, अपने मरीजों को बताती हूँ, जब वो मुझे फीडबैक देते हैं कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ तो नाज़रीन मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास भी वही नुस्खे मैं आपकी खिदमत से पेश करूँ जो मेरे आजमाए हुए आपको, ताकि आपको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट ना हो, आप तंदुरुस्त तवाना हो, आपके बाल मजबूत होंगे, तो आपको जो है अपनी आपकी जो खूबसूरती है वो अच्छी होगी, आपके चेहरे पे खूबसूरती अच्छी आएगी। बालों का होना बहुत खूबसूरत ज़रूरी है, चेहरे पे आप हर किस्म की चीज़ें लगा लेती हैं मगर बालों का कोई भी बच्ची एहतियात नहीं करती, आप हर तरह के शैम्पू यूज़ करती हैं मगर उससे बाल मज़ीद टूटना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपने बालों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करनी है। अगर आप रोज़ाना नहीं लगा सकते तो एक दिन छोड़कर आप एक दिन ये बालों में लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, रोज़ भी लगाएं तो ये आपको नुकसान नहीं चीज़ें देंगी, क्योंकि ये हमारी खाने पीने में शामिल होती हैं चीज़ें, अगर हम खाते हैं तो अगर हम लगा भी लेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो नाज़रीन ये बालों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आपने लगाना है, इस्तेमाल करना है, और जिन बच्चियों को आप देखें ये उनको भी आप बताइएगा कि ये नुस्खा वो इस्तेमाल करें, इसके तरह के सवाब होता है, सदका जारिया है, अगर आप किसी को बताते हैं तो उसका सवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो नाज़रीन ये मर्द और औरत दोनों लगा सकते हैं, छोटी बच्चियाँ कम उम्र की हैं वो भी ये नुस्खा मेरा इस्तेमाल करें, उनको भी फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इंशाल्लाह ताला बहुत ख़ास अच्छी वीडियो लेकर कल मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। बाजी प्रेम को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।